दोस्तों आइए आज मैं आपको बताता हूं कि डीएवी स्कूल न्यू शिमला में फीस का क्या पेमेंट का तरीका है। एक पेमेंट का तरीका पहले था वो जो कि बदल दिया गया है, और अभी कोविड के चक्कर में फीस कलेक्ट भी नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि ट्यूशन फीस कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको इन्होंने अपने नए पोर्टल में एक तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है और केवल ट्यूशन फीस ली जा रही है। एनीवे मैं आपको यहाँ तरीका बताने जा रहा हूँ और डिटेल्स तो आपको स्कूल से मिल जाएंगे। तो आपको जो लिंक है वैसे वो व्हाट्सएप में शेयर किया गया होगा, जैसे कि मेरे व्हाट्सएप में भी शेयर्ड है, ये लिंक दिया हुआ है, तो ये लिंक आपके भी व्हाट्सएप में आया होगा। एनीवे आप यहाँ से नोट कर लीजिए, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अगर वहाँ से भी आपको नहीं जाना है तो आपको यहाँ पर जैसे इनकी DAVNS.org की वेबसाइट है, उसमें यहाँ पर नोटिस बोर्ड में यहाँ क्लिक हियर टू पे फीस का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर वही सेम लिंक है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे दूसरी एक वेबसाइट ओपन होगी, जिसके ऊपर की ये आपकी फीस का पेमेंट का इन्होंने जो दूसरे वेबसाइट के साथ जो इन्होंने लिंक बनाया है वो दिया हुआ है। जैसे मोबाइल नंबर आपको अपना डालना है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, अगर आपको मोबाइल नंबर से इससे नहीं आपको रजिस्ट्रेशन आपका है, तो आप अपने जो बच्चा है आपका स्टूडेंट है उसके क्लास टीचर को आप मैसेज भेज करके इसका डिटेल उस पर डलवा सकते हैं। उसके बाद जो पासवर्ड्स होंगे आपके मोबाइल नंबर के लास्ट वाले 5 डिजिट्स होंगे जो कि यहाँ पे डालना है, तो ये लॉगिन करके आप यहाँ पर अंदर जा सकते हैं। उसके बाद वो पूरा डिटेल आपका दिखाएगा। तो मैं जैसे लॉगिन कर लेता हूँ, ये मैंने लॉगिन कर लिया, तो मेरे चूंकि दो बच्चे पढ़ते हैं तो दोनों का यहाँ पे आ चुका है। आपको यहाँ पर सेलेक्ट में क्लिक कर लेना है, जिस भी बच्चे का करना हो, तो जैसे मैंने ये सेलेक्ट पे क्लिक कर लिया, तो जैसे ही सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आगे इसके जो पेज ओपन करता है उसमें बहुत सारे डिटेल्स अभी भरे जाने हैं जो कि बाद में शायद ये लोग भरेंगे। वहाँ से आप ऑप्शंस में देख सकते हैं उस पे। उसके बाद यहाँ पर ये ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा। कई और सारी चीज़ें शायद इसमें होंगी बाद में, वो तो बात की बात है, लेकिन हम अभी ऑनलाइन पेमेंट फीस की बात कर रहे हैं। तो ये ऑनलाइन पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया है कि ये जो है ड्यू डेट ये है। ड्यू डेट के बारे में आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये पहले से ही डेटा फीड कर दिया गया था, तो ये ड्यू डेट का बाद में इसका सिग्निफिकेंस होगा, इस तरह से होगा सिग्निफिकेंस कि बाद में इसके बेसिस पे आपके ऊपर जो अगर लेट पेमेंट करते तो लेट फी लग जाएगी। तो ये 7200 रुपये है 3 महीने का, जो कि ये लास्ट ईयर की फीस है, वही है ट्यूशन फीस, क्योंकि बढ़ाई नहीं गई फीस है, फीस वही सेम है, अपकमिंग यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, डिटेल भी आप देख सकते हैं। और पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आइए, एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन की इसके टिक कर दीजिए, तो जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर 7200 आ जाएगा, और यहाँ पर पे का बटन दिया हुआ है, तो यहाँ पे के बटन में आपको क्लिक कर लेना है। मैंने क्लिक कर दिया है, तो क्लिक करने के बाद ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिलअप कर लेता है, एड्रेस और ये सिटी और ये सारी चीज़ें फिलअप कर लेता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों ने शायद कॉमन पूरे डीएवी का ये शायद सॉफ्टवेयर होगा, सभी लोग शायद इसी से कर रहे होंगे, सभी जगह के डीएवी का, तो इसीलिए इन्होंने सिटी वाइज पूरा ऑप्शन दिया हुआ है। तो एनीवे मैं डीएवी न्यू शिमला की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है, तो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। मेल आईडी जरूरी है क्योंकि ये आपको मेल भी करेंगे आपकी जो पेमेंट की डिटेल्स हैं। तो ये मैंने मेल आईडी डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर पे नाउ में आपको क्लिक कर लेना है। ये पे नाउ में जैसे मैंने क्लिक किया तो ये पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, पेमेंट गेटवे पे ये लोडिंग पे लिखा हो यहाँ पर क्लिक हियर टू कंटिन्यू है, यहाँ भी मैंने क्लिक कर दिया है, तो ये पेमेंट गेटवे पे ले आया है। और ये पेमेंट गेटवे पे जैसे ही आप नेसेसरी डिटेल्स डालते हैं ये आगे पेमेंट कर देगा। इसके 3 मेथड है, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। ये सारे डिटेल आप अपने क्रेडिट कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर डाल करके यहाँ पर पेमेंट में क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट करना चाहें तो डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, तो नेट बैंकिंग में ये इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और ये कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये तो प्राइमरीली दिए हुए हैं। अगर आपका कोई दूसरा बैंक है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको ये उस बैंक के लॉगिन पेज पे ले जाएगा, जिससे लॉगिन करके आप पेमेंट कर पाएंगे। तो 3 ऑप्शन है इसमें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। इसमें वैलेट का ऑप्शन नहीं है, वैसे वैलेट का ऑप्शन आजकल अक्सर मिलता है, लेकिन ये जो पेमेंट गेटवे इस पे नहीं है। एनीवे मैं आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग से चूंकि मुझे करना है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैं करूँगा, आपको पेमेंट करने का दिखाऊंगा कैसे होता है। बाकी चीज़ अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आप अपने आप कर लीजिएगा, कोई उसमें मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्लिक करके यहाँ मेक पेमेंट में नीचे क्लिक कर लेना है। तो मेक पेमेंट में जैसे मैंने क्लिक किया तो ये अब SBI की जो वेबसाइट है वहाँ पर ले जाएगा,
और वहां पर आपका जो यूजर नेम SBI का है वो आप एंटर कर दीजिए, और एंटर करने के बाद अपना पासवर्ड डाल दीजिए, पासवर्ड भी मैं डाल देता हूँ, उसके बाद लॉगिन में क्लिक कर देता हूँ। अभी सिंपल जो प्रोसेस है पेमेंट की SBI में होती है वही प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे कंफर्म में क्लिक कर दीजिए, उसके बाद फिर से कंफर्म में क्लिक करेंगे तो ये हाई सिक्योरिटी पासवर्ड जो कि SBI के किसी भी ट्रांजेक्शन जो होता है उसमें आता है, तो ये OTP मेरा आ गया है, मैं इसको एंटर कर देता हूँ 8579 2124। ठीक है, तो उसके बाद मैं कंफर्म में क्लिक करता हूँ इसको पासवर्ड को डालने के बाद, तो ये पेमेंट मेरा हो चुका है। ये ऑटोमेटिकली अभी वहीं आपको ले जाएगा उसी साइट पे और आपको दिखाएगा कि ये सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये पेमेंट यहाँ सक्सेसफुल हो गया है, यहाँ पर ये पूरा डिटेल यहाँ पर दे रहा है। तो ये इस तरह से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं, फीस के पेमेंट कर सकते हैं। और इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट वाली जो बटन है आपके कंप्यूटर में उसको क्लिक करके आप ले सकते हैं। या एक और तरीका है आपका कि ये जो रिपोर्ट्स का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे आप चले जाइए, और फिर इसके बाद स्टूडेंट पेमेंट फी लिस्ट देखते हैं इसमें क्या है, तो ये यहाँ पे आ गया है। और ये जो व्यू रिसीट्स लिखा हुआ है इसमें क्लिक कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ये पेमेंट ऑलरेडी आपका ये हो चुका है। तो अब इस पे प्रिंट प्रिंट में क्लिक करके आप यहाँ पर प्रिंट इसको कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे प्रिंट में क्लिक करूँगा तो इसके प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। प्रिंट के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, आप चाहे तो इसको PDF फॉर्म में कर लें, या आप सेव कर लें अपने कंप्यूटर में, या प्रिंट करना चाहे आप प्रिंटर में प्रिंट कर सकते हैं। तो ये पूरा तरीका है आपको फीस पेमेंट करने का DAV न्यू शिमला में। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। साथ ही साथ वो जो आपका लिंक मैंने कहा था वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दिया है, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हैं या DAV की वेबसाइट पर भी जाके जा सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।